दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 247 नए मामले सामने आए और दैनिक संक्रमण दर 3.47% दर्ज की गई। हालांकि पिछले एक दिन में कोविड 19 से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक पिछले दिन दिल्ली में कोविड 19 के लिए केवल 7,128 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 3.47% में संक्रमण पाया गया। आंकड़ों के अनुसार 12 मई के बाद से ये उच्चतम संक्रमण दर है। इस नए मामलों के सामने आने के साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 19,08,977 हो गई, जबकि इससे मरने वालों की संख्या 26,212 पर ही स्थिर रही। रविवार को दिल्ली में 1.91% संक्रमण दर के साथ कोविड 19 के 343 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि कोई नई मौत नहीं हुई थी। बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में कोविड 19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,422 से घटकर 1,349 हो गई है।